अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल आज आपके लिए लाई है दामन डिज़ाइन, घेरा यानी के बॉटम डिज़ाइन शर्ट का। इस तरह के दामन डिज़ाइन, घेरा डिज़ाइन हर कोई चाहता है, कुर्ती के प्यारे प्यारे हों, या कुर्ता हो, शर्ट हो, प्रिंटेड हो, प्लान हो, एम्ब्रॉयडर्ड हो, या फिर थ्री पीस सूट के साथ कोई भी पैचेस या मोटिव्स आए हों, उनको अटैच करने का आपको आइडिया मिल जाता है। इस तरह से मार्केट से बने बनाए पैचेस और मोटिव्स और लेसेस लेकर भी आप सेम इसी ट्रिक से दामन डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, और यही ट्रिक स्लीव्स में, ट्राउज़र बॉटम में यूज़ कर सकती हैं। मुख्तलिफ टाइप के फैंसी दामन बनाना चाहती हैं टसल से, बीड्स, पर्ल्स, स्टोन से, तो वो भी वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। आप इनमें जो भी आपको आइडिया अच्छा लगता है ज़रूर आजमाएं। मेरे चैनल पर इनकी कटिंग स्टिचिंग मौजूद है, क्योंकि मुख्तलिफ एक्सपर्ट के बनाए हुए डिज़ाइंस हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के ड्रेसेस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और स्टिचिंग के साथ बने होते हैं। कुछ अनस्टिच होते हैं, कुछ स्टिच होते हैं, फिर उनको मॉडल्स कैरी करती हैं, डिज़ाइनिंग करती हैं, और कैरी कर मॉडल्स अपना स्टाइल दिखाते हैं कि आप इस ड्रेस को इस तरह से स्टिच कर भी कैरी कर सकती हैं। तो इस तरह हर बच्ची को आइडिया मिल जाता है डिज़ाइनिंग करने का। हमारा मकसद भी यही होता है, आपको ढेर सारी डिज़ाइनिंग दिखाएं ताकि आप भी घरों में बैठकर अच्छी अच्छी स्टिचिंग कर सकें, क्योंकि मकसद सिखाने का भी होता है और दिखाने का भी होता है। फैशन से मुतल्लिका हर चीज़ आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं, क्योंकि इस तरह की स्टिचिंग की वीडियो जब आप देखेंगी चैनल पर, आपको देखकर ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने आसान तरीके से स्टिचिंग होती है। स्टार्ट में मुश्किल लगता है सीखना, लेकिन जब आ जाती है तो हर काम आसान हो जाता है। तो घरों में स्टिचिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी स्टिचिंग होती है, नीट स्टिचिंग होती है, बहुत ही कमाल की होती है। बच्चियाँ अपने ड्रेसेस खुद बनाती हैं और इंजॉय भी करती हैं। ओके।